हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ केशव कुमार साहू और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी बजाज चेतक 99। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए चेतक से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, मुझे एक भैया का मैसेज और कुछ कमेंट भी आए थे कि हमारे जो बजाज चेतक है उसका जो हेडलाइट नहीं जल रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी चल रहा है और अचानक हेडलाइट बंद हो जाता है, फिर बीच में चल रहा है, फिर बीच में बंद होता है। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं अपने वीडियो में पूरा मतलब बहुत आसानी तरीके से समझाता हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर मेरा वीडियो देखता है तो उसको देखने बाद आसानी से समझ जाएगा वो कि कैसे चेक करना है, कैसे वायरिंग है इसके। तो फ्रेंड्स, इसके मैं सर्किट डायग्राम, बजाज चेतक एक ये मॉडल है और एक इसके बाद जो मॉडल आया, दोनों का सर्किट डायग्राम का वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसका एक अलग से वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं इसका भी देख सकते हैं, इंडिकेटर का भी है, और एक इसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम। जैसे आपको मालूम होगा, इसकी जो लाइट जो जलती है, यहाँ से करंट आती है, करंट आने के बाद जाती है आपके साइड पैनल में, यहाँ से करंट आने के बाद पूरा। तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बना चुका हूँ, अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो मेरे प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ से या आपकी स्विच से हेडलाइट का जो कनेक्शन है वो कैसे चेक करना है, अगर कोई भी तार कटा हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको कैसे चेक करना है। तो मैं आपको एक LED लाइट के मदद, मतलब LED लाइट रखा हूँ, उसकी मदद से आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसका कनेक्शन हमें चेक करना है, और अगर कुछ भी फॉल्ट है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, पहले तो मैं आपको एक LED लाइट जो रखा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, ये देखिए LED लाइट है मेरे पास, ये LED है और ये बैटरी है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, जैसे मेरे पास तो मल्टीमीटर है, लेकिन मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग के पास मल्टीमीटर नहीं होता है, तो हम आसानी से कैसे, मतलब LED लाइट के थ्रू हम कैसे चेक कर सकते हैं जो वायर कटा है कि नहीं है। तो देखिए, ये जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो लाइट जल जाएगा, ये देखिए। तो इसके थ्रू हम आज अपने कनेक्शन को चेक करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें हेड खोलना पड़ेगा, आप जो देख रहे हैं हेड, ये ओपन करना पड़ेगा। साइड में स्क्रू होते हैं दोनों साइड में, तो जल्दी से मैं इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद आज मैं आपको ये अच्छे से दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं इसको भी ओपन किया हूँ, इसके जो कैप है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो मैं इसको भी ओपन किया हूँ, और ये देखिए, मैं हर एक वीडियो में आपको ज़रूर बताता हूँ इसको कैसे ओपन करना है और कितने ध्यान से ओपन करना है। तो पहले नीचे को पकड़ के आपको धीरे से अपने तरफ खींचना है, फिर ऊपर की ओर, क्योंकि इसमें लॉक होते हैं। तो चलिए, मैं इसके पहले तो सेफ अगर प्लेस है वहाँ रखता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, और अब हमें ये भी ओपन करना होगा, ये वाला। तो जल्दी से इसको भी मैं ओपन करता हूँ, और इसके जो नट होते हैं ये देखिएगा, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर है, ये देखिए, आपको दिखा होगा अभी, अब ये देखिए ये वाला। तो इसको ओपन करना होगा पहले, फिर ये बाहर आएगा, फिर मैं आपको एक चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं इसको ओपन करके रखा हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि ये, मैं जैसे अगर मैं वीडियो में बताता हूँ ये रेड कलर का वायर है, ये वाइट कलर का है, ये येलो है, ब्लैक है, तो हर स्कूटर में हो सकता है कि अलग अलग कलर का हो। तो मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि भैया आप जो बता रहे थे उस टाइप से मेरे स्कूटर में उस कलर के वायर नहीं है, मैं कैसे करूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरा सर्किट डायग्राम देखिए ना, सर्किट डायग्राम में आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। इसी कारण मैं आपको ये सब इसलिए दिखाता हूँ, आप सर्किट डायग्राम देखिए। ऐसा नहीं है कि जिस कलर का मेरे में वायर है उस कलर का आपके में भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप कलर को ध्यान मत दीजिए, बस आपको मैं ये जो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, तो क्या मतलब आप LED के लाइट से मतलब कनेक्ट करके देखिए कि जैसे अब मैं यहाँ टच किया, अब मैं अंदर में टच करूँगा वो कौन सा वायर है। वैसे तो जब यहाँ आपको दिख रहा है ये कौन सा कलर का वायर है, तो वहाँ भी दिख जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से मतलब बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, तो मैं पहले बताता हूँ आपको, ये देखिए रेड कलर का जो वायर है, ये मेन सप्लाई होता है, ठीक है। मेन सप्लाई आपका आया हुआ है, देखिए ऊपर वाले में, यहाँ पर ये देखिए,
ये है मेन सप्लाई, और ये देखिए जो मिडिल में है ये येलो कलर का जो देख रहे होंगे ना आप, ये जो कनेक्शन है मैं आप फिर से आप देख लीजिए, ऊपर जो आता है और रेड कलर का है जो डायरेक्ट आपके साइड पैनल से आता है, साइड पैनल से जो आता है वो है, दूसरा है आपका येलो कलर का। तो येलो कलर का तार ये कौन सा फ्रेंड, जैसे आप गाड़ी के लाइट ऑन करते हैं ना तो आप यहाँ देखे होंगे, ये देखिए यहाँ पर एक लाइट जलता है, और जो पीछे है टेल लाइट जो जलते हैं नाइट टाइम में, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो टेल लाइट जो जलते हैं तो उसके लिए है। तो यहाँ पर से आप सिंगल देख रहे होंगे लेकिन यहाँ पर दो कनेक्शन है येलो कलर के, देखिए ये देखिए। तो ये आपका स्पीडोमीटर में गया और एक बैक में गया है, और आपको एक ये दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर का है एक, और ये ब्लू वाइट में हल्का, ये देखिए। तो ये आपके लो बीम हाई बीम है, ये हाई बीम लो बीम है दोनों कनेक्शन है, आप ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये, और इसके कनेक्शन है ये देखिए लो बीम हाई बीम, और ये जो देख रहे हैं ये तो हॉर्न का है आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से। तो आप स्विच ओपन करेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा ये यहाँ से कनेक्शन है, मतलब लो बीम हाई बीम है, ये दिख रहा है इसमें आया है और ये जो दिख रहा है ऐसा, मतलब आप खोल के खुद समझ सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको अंदर भी दिखाता हूँ, ये देखिए जो कनेक्शन है ये है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे, देखिए इसमें एक देखिए वहाँ और यहाँ में जो वो थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना ये होल्डर बोलिए प्लग बोलिए, तो ये मैं यहाँ से चेंज किया हूँ। इस स्कूटर में दूसरे टाइप के प्लग थे, जो इसके हेडलाइट के जो कनेक्शन थे दूसरे थे, तो मैं यहाँ से इसको चेंज किया हूँ, यहाँ पर से यहाँ से अलग से जॉइनिंग आपको दिख रहा होगा, टेप दिख रहा होगा। तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन सा, मतलब मेन इसमें आ रहा है कनेक्शन अपर हाई बीम लो बीम, कौन सा इसका न्यूट्रल है ग्राउंड है, ठीक है। और अंदर में कुछ है जो ये दो कनेक्शन आप देख रहे होंगे, देखिए तो ये ब्रेक के हैं, फ्रंट ब्रेक के हैं, क्योंकि ये वाले लीवर नहीं है, आपको पता होगा जो पहले स्कूटर में आते थे जब हम ब्रेक अप्लाई करते थे तो यहाँ पर मतलब रहते थे जो इसको पुश करते थे, तो वो नहीं है इस कार में, उसको निकाल दिया हूँ, कोई मतलब का नहीं है। और एक वीडियो मैं और बनाने वाला हूँ पूरा कनेक्शन का अंदर का, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, उसको मैं बहुत जल्द वाला भी वीडियो बना दूँगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि वहाँ से जो कनेक्शन है यहाँ से कनेक्शन यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए मैं एक जो है इसमें एक होल में ये वायर का कनेक्शन किया हूँ, अब यहाँ एक कनेक्शन किया हूँ, ये देखिए थोड़ा है इसमें दिक्कत होता है, ये देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन किया हूँ। अब दूसरा कनेक्शन मुझे यहाँ पर चेक करना होगा, क्योंकि एक वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें आपको सप्लाई के बारे में बताया था, लेकिन आज का जो वीडियो सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक है डिफरेंट से, ठीक है। तो आपको ये देखना है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको मैं इसमें टच करूँगा, आप जो देख रहे होंगे हाई बीम लो बीम में, ठीक है। अभी लाइट तो नहीं जल रहा है, ये देखिए लाइट जलने लगा, ये देखिए लाइट जलने लगा, मतलब ये जो कनेक्शन है ये सही है, आपको लाइट जलते हुए दिख रहा होगा, ये देखिए। अब हमको इसमें चेक करना है, इसमें हमको पहले वहाँ भी चेंज करना होगा, वहाँ चेंज करते हैं फिर हम फिर देखते हैं। तो अभी ये वाले में करेंट आया था, अब हम इसमें चेक करते हैं, ये देखिए लाइट जल रहा है, ये देखिए, मतलब ये दोनों कनेक्शन सही हैं। अब एक बच गया इसमें, अब इससे पता चल गया राइट साइड और मिडिल, ये दोनों आपके हाई बीम लो बीम हो गए, और ये जो लेफ़्ट साइड वाले दिख रहे हैं ना ये आपका ग्राउंड है। तो आप ग्राउंड भी चेक कर लेते हैं, ग्राउंड कैसे चेक करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो ये देखिए मैं अभी एक कनेक्शन किया हूँ यहाँ पर ग्राउंड में, अब आपको पता चल गया दो तो है, एक तो ग्राउंड होता है, तो आपको ग्राउंड कैसे चेक करना है, आपको ये लगाने के बाद आप कहीं भी बॉडी में टच कर सकते हैं, जहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा ये सब, ये यहाँ से पेंट निकल गया है, तो जहाँ से पेंट निकला आप वहाँ टच करके देख सकते हैं, या आप कहीं भी जैसे ब्लैक वायर है आपको कहीं भी दिख रहा होगा ब्लैक वायर, जैसे ज़रूरी नहीं है ब्लैक अगर नहीं है तो, वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादातर ब्लैक ही होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर हल्का सा ये पेंट है आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए
यहाँ से पेंट थोड़ा उखड़ गया है, तो हम यहाँ पर इसको टच करते हैं। ये देखिए, मैं आपको फिर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो कनेक्शन में प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ कितना होगा, आधा मीटर से भी थोड़ा, आधा मीटर बोल सकते हैं, चलिए आधा मीटर ले लीजिए। आपको यहाँ से मतलब कनेक्शन लेना है, दो तीन वायर ही लगने वाले हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ से आपको कनेक्शन करना है और यहाँ निकाल लेना है, और यहाँ पर आप घर में खुद से कर सकते हैं, कोई इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर पाएँ। तो अगर आपकी गाड़ी में अगर लगता है कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है, तार कटा हुआ है, तो आप आराम से इसको कनेक्शन निकालिए और इसमें एक नया कनेक्शन जोड़िए। तो उसको अगर आप करेंगे तो आपको एक चीज़ होगा अलग से करना होगा, क्योंकि ये एक बॉन्ड होते हैं, इसमें कंप्लीट एक इसके ऊपर एक कवर होता है, तो फिर आपको दिक्कत होगा। उससे अच्छा आप एक जो भी दो तीन के जो वायर रखेंगे उसको आप आपस में टेप मार के बंच बनाइए, और बंच बना के वहाँ से निकालिए, और आप उसको घर में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।